नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करती हूँ आपका एक नए डिलीशियस रेसिपी में। वैसे तो करेला बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बट है तो बहुत गुणकारी, खाना तो सभी को चाहिए। तो हम आज इसके ऐसी रेसिपी देखेंगे ना कि आपने कभी खाई भी नहीं होगी और यूट्यूब पे और किधर भी ऐसी कभी देखी भी नहीं होगी। बहुत टेस्टी रेसिपी बनाएंगे और बिल्कुल भी करेला जो है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो इधर मैंने 4 मीडियम साइज़ के करेले लिए हैं। अभी इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जो ये पार्ट है वो कट कर लेंगे। और अभी आपको इसके थोड़े से थीन ऐसे स्लाइसेस कर लेने हैं। इस रेसिपी का आप कोई भी नाम देख सकते हो, करेले के चिप्स बोल सकते हो, करेले के रिंग्स बोल सकते हो। ये देखिए, ऐसे साइज के आपको काट लेने हैं पूरे सर्कल। नॉर्मली बच्चे हो या बड़े हो, करेले का छोटा टुकड़ा भी नहीं खाते हैं, बट ये रेसिपी से ना बच्चे हो या बड़े हो 2-3 करेले आराम से खा जाते हैं एक साथ में। तो ये देखिए, मैंने सारे काट लिए हैं। फिर से मैं आपको साइज दिखा देती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं रखने आपको। और इसमें एक बात कि कई कई करेले में बहुत बड़ी और हार्ड सीड होती है, बीज होती है, वो आपको निकाल लेनी है। तो अभी इसको हम एक कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी रेसिपी लगती है। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने शिफ्ट कर दिया। अभी इसमें मैंने 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। अभी इसका कड़वापन कम करने के लिए मैं इसमें इमली का टुकड़ा डाल रही हूँ। नॉर्मली नींबू का भी यूज़ होता है, मेरे पास अभी घर में नींबू नहीं था इसलिए मैंने इमली का टुकड़ा डाला है। अगर आपके पास नींबू है, लेमन है, तो आधा नींबू आप कट करके इसमें डाल दीजिए। पूरा का पूरा नींबू का आधा टुकड़ा इसमें डाल दीजिए। अभी इसको हम पका लेंगे 10-15 मिनट के लिए, और जब तक ये पूरे पक नहीं जाते, ये देखिए ऐसे आपको उसका कलर चेंज होने तक उसको पकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट भी ज़्यादा हो गए, 10 मिनट में हो जाता है नॉर्मली, आपके करेले के ऊपर डिपेंड है अभी। तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अभी मैंने निकाल लिया है, अच्छे से पक गए हमारे करेले। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, आपको एक क्लीन कॉटन का कपड़ा लेना है, उस पर ये करेले के जो हमारे रिंग्स हैं वो इसे फैला के डाल देने हैं। ये देखिए, एक के ऊपर एक आपको नहीं रखने हैं। ये देखिए, ऐसे आपको रख देने हैं, फैन के नीचे आपको रखने हैं इसको 10 मिनट के लिए। और ऐसे ही भी रख सकते हो, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो जो मॉइस्चर होगा, जो वाटर होगा वो निकल जाएगा, जो कॉटन का कपड़ा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर। 10 मिनट्स के लिए हम इसे रख देंगे। 10 मिनट्स के बाद ये देखिए, अच्छे से सूख चुके हैं फैन के नीचे, तो जल्दी से हो जाते हैं। इधर मैंने जो ऑयल है वो बिल्कुल बहुत ही गर्म कर लिया है, हाई फ्लेम पे, गैस हाई फ्लेम रखनी है आपको। ये देखिए, अभी इसमें थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे, क्योंकि गैस की फ्लेम हाई है, तेल बहुत गर्म है, तो धीरे धीरे से आपको डालना है संभल के। ये देखिए अभी ये नीचे है, धीरे धीरे से ये ऊपर आने लगेंगे और कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्के हल्के से लगेंगे, तभी आप समझ लीजिए कि ये फ्राई हो चुके हैं। हाई फ्लेम पे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फास्टली ये फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, कलर पूरा चेंज हो चुका है और क्रंची भी लग रहे हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए,
अभी बच्चों को छुट्टियां लग रही है, कुछ नया स्नैक्स खाने का उनका मन करता है, तो ये टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स आप ज़रूर उनको बनाकर दीजिए। ये देखिए अभी मैंने दूसरी बैच भी डाल दी और ये देखिए कितने क्रंची हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते और बिल्कुल क्रंची चिप्स लगते हैं। ये देखिए, तो चलो फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। सारे मेरे करेले के जो चिप्स है, रिंग्स है, वो सारे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं एक प्लेट में इसको डाल देती हूँ। ये देखिए अभी इस पर आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा से रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला हो, अमचूर पाउडर हो, टोमेटो पाउडर हो, कुछ भी डाल सकते हो। याद रखिए कि करेला हमने जब पका लिया था उसमें भी सॉल्ट था, तो सॉल्ट थोड़ा सा संभाल कर डालिए। ये देखिए थोड़ा सा मैं रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देती हूँ। आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आप विदाउट कोई भी मसाला डालकर भी खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये, तो ज़रूर ट्राई करिए ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी और हमको ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, एंजॉय।